एक बार की बात है कि मैं कॉलेज में थी उस टाइम, और कॉलेज के कैंपस पे थी। तो पापा का सेल फोन मेरे पास था, तो मैं यू नो इट वाज इन बिटवीन क्लासेस। तो हम लोग कैंपस में बाहर टहल रहे थे विद अ बंच ऑफ माय फ्रेंड्स। तो फोन बजता है और आई आंसर द फोन। तो मैंने हेलो बोला, तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, और फिर की कर रही है। तो मैं समझ गई सर ये तो गुरुजी की आवाज है, क्योंकि यू नो ये मैंने सत्संग पहले भी शेयर किया हुआ है दैट अगर आप गुरुजी के साथ थोड़ा भी टाइम स्पेंड करोगे तो एक बार आप उनकी आवाज सुन लेते हो ना, आप उनकी आवाज भूल नहीं सकते। तो मैंने बोला गुरुजी हाँ की कर रही है। मैं कहा गुरुजी मैं कॉलेज में हूं। तो जैसे ही ये मैंने अपनी कॉन्वर्सेशन शुरू करी, मैं थोड़ा सा अपने फ्रेंड से आगे चलना शुरू हो गई, क्योंकि मेरे छोटे मन में ये ख्याल आ रहा था कि गॉड अगर मेरे फ्रेंड सुन लेंगे कि इसको तो गुरु लोग फोन करते हैं, तो मेरी तो सारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी कि व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल इज शी 21st सेंचुरी में, यू नो शी हैज गुरुज कॉलिंग हर। सो अगेन यू नो स्मॉल थिंकिंग। अब मैंने थोड़ा आगे आगे होकर और यू नो आई थोड़ी किस कहते ना हश टोन में आहिस्ते आहिस्ते बात करनी शुरू कर दी। मैं कहा गुरु जी हाँ की कर रही है। मैंने कहा गुरु जी मैं कॉलेज में हूँ। एंड बिफोर ही कुड से एनीथिंग, मैंने अपने आप को बहुत स्मार्ट सोचकर मैंने कहा ये भी बता देती हूँ दैट प्रॉब्ली ही इज कॉलिंग माई फादर सेल फोन, सो लेट मी टेल हिम दैट डैड सेल फोन इज विद मी नॉट विद डैड। कि यू नो अगेन हम क्या बता सकते हैं गुरुजी को, वो तो सब जानते हैं। लेकिन उस टाइम ये बात नहीं क्लिक करी। तो मैंने कहा गुरुजी और पापा का फोन ना आज मेरे पास है। तो देन ही रिपीटेड, अच्छा डैडी द फोन तेरे कोल है? हाँ जी गुरुजी। तो कोई गल नहीं शामी आ जाए। अच्छा गुरुजी। उस टाइम पे ना आई थिंक वाज द ईयर मे बी अर्ली 2000s, उस टाइम पे संगत के इंस्टेड ऑफ 7 days गुरुजी हैड स्टार्टेड गिविंग दर्शन ओनली फ्रॉम थर्सडे थ्रू संडे। जब हमने शुरू किया था तो 7ों दिन दर्शन होते थे, उसके बाद इट गॉट रिड्यूस टू 4 days। एंड आई रिमेम्बर दैट दैट डे वाज अ नॉन संगत डे, आई थिंक इट वाज अ मंडे और अ ट्यूसडे। सो ही सेड शामी आ जाई। अच्छा गुरुजी आ जाऊंगी। ते डैडी नु नाल लेकर आई? जी गुरुजी। मम्मी नु घर छड़ के आई? जी गुरुजी। ये फटाफट मैंने कॉन्वर्सेशन करी, रैपअप किया और फोन रख दिया। उस टाइम पर सेल फोन्स वर नॉट दैट कॉमन लाइक इन अर्ली 2000s, दो 95-96 से शुरू हो गए थे, बट इट वाज स्टिल अ रेयरिटी। लाइक आजकल तो बच्चे बच्चे के हाथ में होता है, उस टाइम ऐसा नहीं था। सो मैं कॉलेज से निकली एंड देन आई हैड टू पिक अप माय डैड फ्रॉम कनॉट प्लेस, और उसके बाद हम घर गए। तो घर जाकर जब हम फ्रेशन अप होने लगे तो मॉम अंडरस्टूड के यू नो गुरु जी के जा रहे हैं, तो शी सर अच्छा मैं भी चलती हूँ। एंड आई सेड नहीं मामा, गुरुजी ने बोला है कि सिर्फ पापा और मैं जाएंगे आज। सो क्लियरली शी वाज यू नो अ लिटिल डिजेक्टेड, बट गुरुजी का जो हुक्म है वो पत्थर की लकीर है, तो यू ट्राई टू फॉलो इट टू द हिल्ट। एंड हम गए, तो मंडे की शाम थी आई थिंक, या ट्यूसडे की शाम होगी, तो एम्पायर स्टेट बिल्कुल खाली था। आई स्टिल रिमेम्बर वहां पर प्रोबेबली आई थिंक सिर्फ एक सुदामा अंकल होंगे और जोशी अंकल थे। तो हम हॉल में गए एंड गुरुजी अपने पीछे वाले कमरे में बैठे थे और दरवाजा बंद था। सो वी वर आस्क्ड टू गो इनसाइड द रूम। व्हेन वी ओपन दैट गुरुजीज रूम, गुरुजी अपने काउच पे बैठे थे। दोज ऑफ यू हु हैव सीन एम्पायर स्टेट विल नो के एंटर करते ही दैट बड़ा हॉल, एंड इफ यू गो स्ट्रेट डाउन द स्टेप्स पीछे करके गुरुजी का कमरा है, वो आज भी ऐसा ही है। और वहां अगेंस्ट द वॉल एक काउच लगा है, गुरुजी उस पे बैठे हुए थे। सो गुरुजी वाज सिटिंग आलती पालती मार के अपने काउच के ऊपर प्लेइंग विद हिज फोन। एंड वी वेंट इन, हमने मत्था टेका और बहुत अच्छी सी फीलिंग आई, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि आज हम वन ऑन वन यू नो बैठे हैं महाराज के साथ। ऐसी साइट देखने को बहुत कम मिलती थी, क्योंकि यूजुअली आप गुरु से मिलते थे संगत के बीच में, और ऐसे वन ऑन वन दर्शन मिलने बहुत बहुत स्पेशल फीलिंग आ रही थी। तो
तो गुरुजी काफी लाइट मूड में थे, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं कि किन किन टॉपिक्स के बारे में बात हुई, बट जहां तक मुझे याद है करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत चल रही थी। तो एक तरफ पापा थे, एक तरफ मैं थी, बीच में गुरुजी थे और हम गुरुजी को दबा रहे थे और बातचीत हो रही थी। तो ज्यादा यू नो पापा और गुरुजी के बारे में हो रही थी, कारगिल वॉर एंड डिफरेंट टॉपिक्स के, एंड आई वाज जस्ट देयर प्रेसिंग हिज फीट एंड जस्ट लिसनिंग टू देम। तो इतने में गुरुजी के कमरे में गुरुजी के लिए एक स्टील के ग्लास में जो बिल्कुल कवर्ड था ऊपर कटोरी लगी हुई थी और एक ड्रिंक आता है, तो गुरुजी ने उसका एक सिप लिया और फिर मेरे को दे दिया। He said, "Ele chak, तेरा प्रसाद। So मैंने वो ग्लास को पिया तो उसके अंदर नारियल पानी था। That नारियल पानी was the most divine tasting nectar, Sangat ji, that I've ever had in my life। अब नारियल पानी मैंने उससे पहले भी बहुत बार पिया है, उसके बाद भी बहुत बार पिया है, लेकिन वो स्वाद मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं वो डिस्क्राइब भी करूं कि उसका क्या स्वाद था। मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपने क्या अमृत चखा, अमृत पिया है, तो मैं बहुत विद इमेंस प्राइड मैं बोलती हूँ हाँ। एंड वो नारियल पानी पीने के बाद गुरुजी ने अपना फोन उठाया और उन्होंने किसी को फोन घुमाया, जो उस टाइम हमें पता नहीं था किसको फोन कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। तो फोन पे कुछ इस तरह की कॉन्वर्सेशन चली, उन्होंने पंजाबी में पूछा तिकी बनाया है, उन्होंने कोई जवाब दिया होगा, अच्छा चल चंगा ते असी आ रहे। तो इतनी सी बात हुई और फोन रख दिया। इतने में गुरुजी ने घंटी बजाई और यू नो गाड़ी रेडी हो गई कहीं जाने के लिए। तब तक हमें नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं। और यू नो दिस इज sort of the beauty of guru parivar, ke aap jaise hi aaj ki date mein bhi aap kisi ko jai guruji bol ke conversation shuru karte ho ya bolte ho acha jai guruji hum aa rahe hain, to der saver kisi bhi time guru sangat ke liye aapka dil aur ghar dono khula hota hai, aur us time bhi yahi parampara thi। So gaadi lagi aur guruji kamre se bahar nikle, तो जोशी अंकल कमरे के बाहर खड़े थे। ही टोल्ड कर्नल जोशी कि जोशी तू जनरल साहब के नाल जा और मैं जनरल साहब की गाड़ी में जाऊंगा। सो विच मेंट के गुरुजी हैड डायरेक्टेड डैड टू गो विद जोशी अंकल। गुरुजी वाज नॉट गोइंग टू गो इन हिज कार, इंस्टेड ही सैट इन आवर कार एंड इट वाज द ड्राइवर एंड बैक सीट पे गुरुजी और मैं। So, मैं उस टाइम डर गई, ऐसे को गॉड मुझे भी पापा के साथ जाना था, बट लाइक आई सेड मैं कुछ बोल नहीं पाई। और हम गाड़ी की पीछे वाली सीट पे बैठ गए एंड गुरुजी वाज सिटिंग ऑन माय लेफ्ट साइड। सो ड्राइवर आगे गाड़ी चला रहा है, पीछे बैक सीट पे लेफ्ट साइड पे मेरे गुरुजी बैठे हैं एंड ही स्टार्टेड टू टेल मी टू स्मेल द 10 एनर्जी पॉइंट्स। अब ये जो 10 द्वार होते हैं, दीज आर चक्रास, एनर्जी चक्रास, between your forehead, behind your ears, your navel, and you know those spots, the armpits, and jahan jahan guruji ishara karte gaye main fragrance leti gayi, and sangat ji that fragrance was so beautiful, so divine, but us time I probably could not relish it as much. Why? Because my brain, my heart was engulfed in fear that oh my god what am I doing। So ye hua aur 10 baar ki fragrance lete lete sangat ka ghar aa gaya। Jab hum wahan jaake pahunche to pata chala ki hum sant aur aunty ke ghar pe aaye the, wo unki punjab ki bahut pyari sangat hai, us time wo I think railway colony mein rehti thi delhi mein kahin par, and hum unke ghar pe utre, bahut acha dinner kiya, rajma chawal khaye, aur hum kuch you know 8-10 log honge unke ghar mein। गुरुजी कुर्सी पे बैठे, काफी यू नो लाइट एटमॉस्फेयर, हंसी मजाक वाली बातें चलती रही और वो शाम बीत गई।
वो शाम संगत जी मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम थी। एक बार एक और बहुत जो खास यू नो क्लोज टू द हार्ट जो मेरा इंटरेक्शन हुई गुरु जी के साथ, दैट वॉज ऑन माई बर्थडे। तो दिस हैपेंड आई थिंक इन ईयर 2000 मे बी 2001 कि मैं देखती थी कभी कभी गुरु जी के लिए लोग चॉकलेट्स लेकर आया करते थे इम्पोर्टेड। तो मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने भी हिम्मत करी, मैंने कहा चलो आज मैं भी गुरु जी को चॉकलेट्स देती हूँ। हमारी वैसे क्या औकात कि हम गुरु जी को कुछ दें, बट ये मन का भाव था कि हम कुछ अर्पण करें और वो मैंने किया। तो 12 फरवरी सन 2000 या मे बी 2001, मोस्ट लाइकली 2001 की बात है, छुट्टी लेते टाइम मैंने गुरु जी के आगे चॉकलेट्स का बॉक्स किया और मैंने कहा गुरु जी आज मेरा बर्थडे है, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो उन्होंने चॉकलेट्स का डब्बा लिया और साथ में वहां पर रोमा आंटी बैठी थी, मुझे अभी तक याद है, पूरा का पूरा डब्बा उठा के रोमा आंटी को दे दिया। मुझे लगा था कि वो खोलेंगे और मुझे भी एक पीस देंगे, खुद भी खाएंगे, लेकिन उन्होंने सारा डब्बा रोमा आंटी को दे दिया। और मैं ये सोच ही रही थी, इतने में ही वॉज वेयरिंग दीज मरून जुतीज सत्संग में एंड पूरी संगत के सामने उन्होंने वो जुतियां खोली एंड ही सेड एले चा तेरा प्रसाद। अपनी जुतियां जो उन्होंने पहनी थी भरे दरबार में उन्होंने खोलकर मुझे दे दी। संगत जी मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था एंड पता नहीं क्या मेरे अंदर कोई अच्छी अकल रही होगी, मैंने वो जुतियां इंस्टेंटली उठाई और उनके सामने अपने सर पे रख ली और आज तक वो जुतीज मेरे पास है और आज तक उन जुतीज से फ्रेग्रेंस आती है। संगत जी वो मैंने जुतियां इतने अदब से लपेट कर कवर करके रखी है एंड इफ यू सी दोज जुतीज यू विल सी टीयर्स ऑन द साइड्स of the jutis as if you know there is wear and tear. So anything that's not been worn and used should not have wear and tear. But that just points to the fact that meri life ke sare kasht, jo wear and tear, jo problems meri life pe aani thi, wo shayad in jutis ne apne upar absorb kar li. And like I said, I will never say that, oh, because you know, you are in Guruji's fold, life is going to be a bed of roses. And also, I want to remind each one of us that we have been given a life by Guruji and that life comes with an expiration date. So, jab koi oonch neech ho jaati hai, I know Sangat Ji, it is very, very hard to accept. But, vishwas to isi ko kehte hai na, ke tum kaho ke Guruji, jo bhi ho raha hai, it is happening in accordance to your sweet will. तो अगर हमें कुछ देना ही है तो स्ट्रेंथ दो ना गुरु जी टू एक्सेप्ट योर स्वीट विल। सो आई एम गोना टेक अ पॉज। ये चॉकलेट वाला पैक यू नो कई साल तक चलता रहा, उसके बाद उसका एक और रिलेटेड सत्संग है, बट यू नो इफ आई गो इनटू दैट देन मैं अगले दो दिन सत्संग करती रहूंगी। सो अभी मैं यही विश्राम लगाती हूँ। जय गुरु जी। Over to you, Seema Kumar aunty. I think you have raised the hands. Seema Kumar aunty. Jai Guruji uncle, Jai Guruji Aarti aunty. It was really very nice to hear you. And my question was on Das Dwar only and you gave the satsang. So my I want to clarify from you. I've been reading about Das Dwar before I heard you. I didn't know anything about Das Dwar. And I just want your affirmation on this. What I have understood that Creator established 9 gates for the body. As we all know, we have 9 dwars and Lord resides in the 10th dwar. So Dasam dwar is the gate when opened enables vision of the Creator in mind. So you got that vision, or I feel you were sitting next to Mahashiv and Parbrahm. So that must have been 10th, vision of 10th dwar for you. That you were in his under his fold for so many years. So what is your take on that? And another thing, I want to thank you very much, you and all old Sangat, because agar aap log ke hum satsang nahi sunte, to hamare jo experiences hamare saath jo nahi Sangat ke saath ho rahe the, I was doing only
you know, namaskar to these chamatkars. Only after hearing your satsangs, we realize that what Guruji is, and wo ek defining moment hota hai har sangat ka life mein to know, you know, to realize that Guruji is Mahashiv. So my thanks to you and all old sangat ki ye pandemic mein aap logon se hamara contact hua. Or aap log, you're like our teachers. And if you can tell me about this Das Dwarka, am I right about my understanding? Auntie, in my humble opinion, I can only speak to what I have experienced. So Dwar, in my understanding, is an opening. Okay. And those openings are, you know, like I said, this chakra between your eyebrows. Behind your ears, the place where you pee and poo from, underarms, belly button. Now, for an average human being, us chakra se unobstructed fragrance nahin aati hai. That only happens in a Satguru or a Mahapurush. Okay. So when that fragrance is flowing in an unobstructed way is you know, that's what the opening of Das Dwar points to. And I you know, I've had that experience where I smelt all of those places, and like I said, I have no words to describe the type of fragrance it was oozing. My so God. That's my understanding based on my experience. Okay, thank you very much. Now I've understood. Yeah. So, you know, this is a, you know, journey with Guruji is a learning process. Every day is a new day for me, you know, to know about him, to learn about him, and, you know, his divinity. It's the same for us, Auntie. It's the same for us. Each day, we learn, learn, and learn.